अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस एपिसोड की शुरू होते ही हमें फ्रांस के बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है, जहां से समुद्र के रास्ते बहुत बड़ी बड़ी पानी के जहाज आ रही थी। लेकिन जब फ्रांस के ऑफिसर्स दूरबीन से जहाज को देखते हैं तो उन्हें जहाज में कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता, जिसे जब वो लोग चेक करने जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये जहाज तो सब पानी का बना है और इंग्लिश मजिशियंस ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। जिसके बाद हम मिस्टर नॉरेल को देखते हैं, जो गवर्नर से मिलकर उनसे ओल्ड फैशन जादू बंद करने की मांग करते हैं, जिस पर गवर्नर कहते हैं कि तुम हमारी युद्ध में मदद करो और हम तुम्हारी सारी बातें मानेंगे। अब उसके बाद हम सिंगडूस और हनीफूड को देखते हैं, जो पुरानी हवेली में आए थे जो सेल पर थी, और अब हवेली की गेट खोल कर अंदर आते ही सिंगडूस को ऐसा फील होता है जैसे कोई जादू कर रहा हो, और फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अब बेहोशी की हालत में उन्हें एक ड्रीम दिखाई देता है कि वो उस घर के अंदर है, और वहां पर उसे एक लेडी भी दिखाई देती है जिसने ब्लू गाउन पहना होता है, और वो सेंगुडस को देखते ही गायब हो जाती है, और उसके गायब होते ही उसे जोनाथन दिखता है जो उस पर चिल्लाता है, और इसके साथ ही सेंगुडस फिर से होश में आ जाता है, जिसके बाद जोनाथन उस हवेली के अंदर से बाहर आकर सेंगुडस को डांटता है क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से उस लेडी को बुलाया था, जिसे सेंगुडस ने डरा दिया। अब जोनाथन की ये बात सुनकर सेंगुडस और हनीफूड दोनों ही उस पर इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें मिस्टर नॉरेल से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं, जिस पर जोनाथन भी मान जाते हैं। उसके बाद हम लेडी पोल को देखते हैं जो सो रही होती है, और तभी उसे अजीब अजीब विजन्स आते हैं जिनसे वो काफी परेशान हो जाती है, इसलिए वो मिस्टर वॉल्टर से कहकर मिस्टर नॉरेल को बुलवाती है। अब मिस्टर नॉरेल के वहाँ आते ही वो लेडी पोल से उनके प्रॉब्लम के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कुछ भी ठीक से नहीं बता पाती, जिसके बाद वो मिस्टर वॉल्टर से कहते हैं कि लेडी पोल स्पिरिचुअली डिस्टर्ब हो गई है और जादू पागलपन को ठीक नहीं कर सकता, जो ऐसा कहकर वो अपने घर फिर से चले जाते हैं। अब अपने कमरे में पहुंचकर वो फेरी को फिर से बुला के उससे पूछते हैं कि उसने लेडी पोल के साथ क्या किया है, जिस पर फेरी कहता है कि वो तो बस लेडी पोल को अपने महल में ले जा रहा था, जिसके भयानक रास्तों को देखकर वो घबरा गई, जिस पर फिर मिस्टर नॉरेल उस पर बरसते हैं कि तूने मुझे ट्रिक किया है, मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से चले जाओ। जिस जवाब पर फेरी गुस्सा हो जाता है, इसलिए मिस्टर नॉरेल कैंडल बुझा के फेरी को गायब कर देता है। अब उसके बाद हम स्टीफन को देखते हैं जो एक किताब पढ़ रहा होता है, और तभी उसके सामने वही फेरी आ जाता है जो उसे अपने वश में करके उसे अपनी शेविंग करवा कर अपने राज्य लॉस्ट होप में आज शाम को होने वाली पार्टी में इनवाइट करता है, और फिर हमें पता चलता है कि ये सब बस स्टीफन का एक सपना होता है। फिर हम जोनाथन और उसकी पत्नी एनाबेल को देखते हैं, जो अब शादी करके लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके बाद वो लोग मिस्टर नॉरेल से मिलने उनके घर जाते हैं, जहां पर मिस्टर नॉरेल जोनाथन को कोई जादू करके दिखाने के लिए कहते हैं, जिस पर जोनाथन कुछ पेपर्स को एक मिरर के सामने रखता है और जादू से असली पेपर्स को मिरर के अंदर और रिफ्लेक्शन को बाहर शिफ्ट कर देता है, जिससे मिस्टर नॉरेल बहुत ही प्रभावित होते हैं और फिर जोनाथन को अपने अंडर काम पर रख लेते हैं। वहीं हम लेडी पोल को देखते हैं जो जोर से चिल्लाते हुए कमरे से भागते हुए नीचे आती है, जहां वो स्टीफन को देखते ही कहती है कि मुझे बचा लो, वो मुझे स्पेल करके मुझे डांस करवा रहा है। इस पर फिर स्टीफन लेडी पोल को शांत करवा के फिर से अपने रूम में ले जाता है, और अब जब स्टीफन लेडी को छोड़कर नीचे आता है तो उसे ऊपर कमरे के बेल बजती सुनाई देती है, जिसका पीछा करके वो एक कमरे तक पहुंच जाता है, और जब वो कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, और ये जगह होती है लॉस्ट होप, जो कि फेरी की जगह है। अब लॉस्ट होप में आगे बढ़ते हुए उसे फेरी मिलता है जो उसे कहता
कहता है कि वो आगे चल के एक राजा बनेगा। उसकी किस्मत में ही राजा बनना लिखा है और वो एक नेमलेस गुलाम है। और इसके बाद वो उसे अपने महल में ले जाता है जहाँ पर बहुत से लोग डांस कर रहे थे और स्टीफन भी उनके साथ डांस करने लग जाता है। और डांस करते करते स्टीफन की नजर लेडी पोल पर पड़ जाती है, इसलिए अब वो उसे आवाज लगाता है जिससे लेडी पोल भी स्टीफन को देख लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो लेडी पोल तक पहुंचता, वहां डांस कर रहे लोग स्टीफन को पकड़ लेते हैं और इसी के साथ झटके से लेडी पोल की आंखें खुल जाती है। अब उसके बाद हम जोनाथन और उसकी पत्नी को देखते हैं जो अपने घर पर बैठकर गप्पे मार रहे थे और तभी उनके घर पर मिस्टर वॉल्टर आते हैं जो उन्हें अपने घर पर ले जाते हैं क्योंकि फ्रांस ने इंग्लैंड पर अटैक कर दिया था और मिस्टर नॉरल वहां पर नहीं थे, इसलिए उनको जोनाथन की मदद चाहिए थी ताकि वो दुश्मनों की लोकेशन उन्हें बता सके। इसलिए अब जब जोनाथन और मिस्टर वॉल्टर आपस में बात कर रहे होते हैं तभी एनाबेल मिस्टर वॉल्टर के घर में घूमते घूमते लेडी पोल के पास पहुंच जाती है। अब लेडी पोल उसे बताने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर वहां पर स्टीफन आकर लेडी पोल को उनके कमरे में ले जाता है। और उसके बाद हम जोनाथन और मिस्टर नॉरल को आपस में बात करते देखते हैं कि जोनाथन रेवन किंग और उसके जादू को स्टडी करना चाहता है, लेकिन मिस्टर नॉरल इसके बिल्कुल खिलाफ होते हैं और इसी वजह से वो जोनाथन को डांट भी देते हैं। इसके बाद हम मिस्टर नॉरल को फेरी को बुलाने वाले जादू करते हुए देखते हैं जिस पर फेरी अपने साथ स्टीफन को भी जोनाथन के पास ले आता है जहां जोनाथन किसी को भी सुनिया देख नहीं सकता था। लेकिन जब फेरी स्टीफन से कुछ बातें करता है तो जोनाथन को थोड़ी आवाजें आती है जिसे सुनकर वो तुरंत अपनी पत्नी एनाबेल को उस रूम में बुला लेता है जिससे फेरी की नजर उसकी पत्नी पर पड़ जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रांस ने इंग्लैंड के समुद्री बॉर्डर पर अटैक कर दिया है जिससे उनके देश को भारी नुकसान हुआ है और उनके राजा भी सडनली पागल हो गए हैं। इसलिए वो मिस्टर नॉरल से कुछ करने के लिए कहते हैं जिस पर मिस्टर नॉरल उस बॉर्डर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देते हैं। अब अगले दिन जब ट्रेड करने के लिए एक जहाज उस रास्ते से होकर जाती है तो वो कवच से टकराकर डूबने लगती है जिस पर मिस्टर वॉल्टर आकर जोनाथन को कुछ करने के लिए कहता है। लेकिन जोनाथन उसे मिस्टर नॉरल को बोलने के लिए कहता है क्योंकि वो अभी परफेक्ट नहीं हुआ है, पर मिस्टर वॉल्टर कहते हैं कि मिस्टर नॉरल नहीं आ सकते क्योंकि उनके सिर में दर्द है। तब जोनाथन बीच पर जाते हैं और बीच पर जाकर वो जमीन में हाथ लगाकर जादू से घोड़े बना देते हैं जो समुद्र में जाकर जहाज को बैलेंस करके डूबने से बचा लेते हैं जिसका जादू देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पर तब तक मिस्टर नॉरल भी आ जाता है और वो जोनाथन के जादू को देखकर जलन फील करने लगता है जिसके बाद मिस्टर वॉल्टर जोनाथन को नॉर्दर्न पेनिनसुला जहाँ युद्ध चल रहा है वहाँ ट्रांसफर करने की बात करते हैं जिस पर मिस्टर नॉरल साफ मना कर देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो जोनाथन से थोड़ा जलने भी लगे। पर ड्रॉलाइट और उसका साथी रसेल ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मिस्टर नॉरल और जोनाथन साथ में रहे, इसलिए वो मिस्टर नॉरल को भड़काते हैं कि उसे जोनाथन को बॉर्डर पर भेज देना चाहिए क्योंकि शहर में मैजिक बुक्स की ऑक्शन होने वाली है और अगर जोनाथन यहाँ रहेगा तो वो उन किताबों को जरूर खरीद लेगा। जिसे सुनकर मिस्टर नॉरल जोनाथन को बॉर्डर पर जाने को कहते हैं जिसे सुनकर फिर जोनाथन कहता है कि क्योंकि वो बॉर्डर पर जा रहा है इसलिए उसे किताबों की जरूरत होगी, इसलिए वो मिस्टर नॉरल से 40 किताबों की मांग करता है और ना चाहते हुए भी मिस्टर नॉरल को 40 किताबें देनी पड़ती है। अब उसके बाद हम जोनाथन को युद्ध पर जाते हुए देखते हैं जहां जोनाथन एनाबेल को अपना ख्याल रखने का कहकर वहां से अलविदा ले लेता है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ऑक्शन वाली जगह पर मुड़ जाती है जहां पर मिस्टर नॉरल के साथ साथ एनाबेल भी आई होती है और अब देखते ही देखते ऑक्शन शुरू हो जाता है और अब हम वहां पर फेरी को भी एनाबेल के बगल में बैठा हुआ देखते हैं और वहीं उसकी किताबों को लेने के लिए मिस्टर नॉरल और एनाबेल में कंपटीशन होता है। लेकिन अंत में मिस्टर नॉरल 20,000 रुपए में किताबों को खरीद लेते हैं जिससे एनाबेल को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। और इसी के साथ ये
एपिसोड भी यहीं समाप्त हो जाता है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट मैं जल्दी पोस्ट करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि आपसे अगला एपिसोड ना मिस हो। और वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।